नमो बुद्धाय, जय भीम आपल्या सर्वांना। मित्रांनो, आज आपण आलेलो आहोत नागपूरच्या एअरपोर्टला। इथे थायलंडचे भिक्षू आज आलेले आहेत आणि आपण त्यांचं स्वागत करण्याकरिता आज आपण तिथे जातो आहे। तर व्हिडिओला पूर्ण बघायचं आणि व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करायचं। गगन मलिक फाउंडेशनद्वारा आयोजित धम्मपद यात्रा दिनांक 1 मे ते 23 जुलै म्हणजेच तब्बल 80 दिवस अशी आहे। त्यानिमित्ताने थायलंडवरील महास्थवीर पूजनीय भिक्खू संघांचं स्वागत नागपूरच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झाले। त्यामध्ये उपासक उपासिकांनी साधुवार देऊन स्वागत केलं। नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज हम अभी नागपूर एअरपोर्ट पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं भिक्खू संघ का, जो कि थायलैंड से आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये पहली बार इस तरह की धम्म यात्रा जो है वो निकाली जाएगी, जिसमें थाई संघ की गाइडेंस में, उनके वरिष्ठ भिक्खुओं की गाइडेंस में हमारे भारत के जो बच्चे हैं वो श्रामनेर बनेंगे। श्रामनेर बनने के बाद उन्हें भिक्खु बनाया जाएगा वेनुवन में, जिसमें 227 प्रीसेप्ट फॉलो करेंगे। ये धम्म यात्रा ऐसी नहीं है कि एक हफ्ते के लिए आप श्रामनेर बने और या भिक्खु बने, उसके बाद फिर आप नॉर्मल उसमें आ गए। ये कुछ इस तरह की है कि जिसमें आप कम से कम 3 महीने उनकी गाइडेंस में रहने वाले हैं, जिसमें शुरुआत करेंगे नागपुर से। यहाँ पे ऑर्डिनेट किया जाएगा। यहाँ से वो जाएंगे राजगीर, राजगीर से वेनुवन, वेनुवन से बोधगया, बोधगया से सारनाथ, सारनाथ से श्रावस्ती, श्रावस्ती से धर्मशाला, धर्मशाला से लेह लद्दाख, और उसके बाद भी जो आगे कंटिन्यू करना चाहेगा उसे धर्मशाला, बोधगया या फिर लेह लद्दाख, जहाँ उसकी मर्जी होगी वहाँ तक, और वो टाइम अपना वहाँ बिता सकता है। ये कोशिश ये नहीं है कि उनको बनाना, ये कोशिश ये है कि यहाँ से जब वो सीखें बुद्धिज़्म की सही परिभाषा, सीखें धम्म की सही परिभाषा, सीखें डिसिप्लिन, सीखें और उसका प्रचार प्रसार वापस आकर जो अपने महाराष्ट्र में या अपनी स्टेट्स में या अपनी सिटी में ये अच्छे से कर सकें। तो ये एक मुहिम है जिसके लिए आप देख रहे हैं कि सारी महिलाएं जो नागपुर में हैं वो यहाँ पर आई हैं। वर्षा ताई ने लीड किया है, सबको लेकर आई हैं। इधर से स्मिता ताई भी हैं और एक गुणवंत जी, नितिन जी, सब लोग हैं जिन्होंने लीड किया है। और आज काफ़ी लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। फ्लाइट थोड़ी सी लेट है लेकिन लैंड हो चुकी है। आज नागपुर एयरपोर्ट पे हम साथ में हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो ऑर्डिनेशन होगा, ये जो धम्म यात्रा होगी, ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी। 35 दिन वो पैदल चलेंगे धर्मशाला से लेह लद्दाख तक, और 3 दिन पैदल चलेंगे राजगीर से बोधगया तक। ये बाकी सब जगह वो ट्रैवल बस या उससे करेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। How do you feel venerable coming here at Nagpur airport right now? Today we are very happy to see all the Buddhists in Nagpur. We are the son of the Buddha and you also the son and the daughter of the Buddha. We are really happy to see all of you today. Thank you very much. Thank you. Thank you. Sadhu. 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 यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु आए हैं वो काफ़ी अनुशासित हैं। उन्होंने काफ़ी जीवन भिक्षु के इसमें व्यतीत किया है। तो ऐसे भिक्षु जब नागपुर में आए हैं और दीक्षा भूमि ये नागपुर से पहचानी जाती है, तो यहाँ पे वो 100 लोगों को दीक्षित करने वाले हैं, श्रामनेर की दीक्षा देने वाले हैं। ऐसे लोग, ऐसे जवान लोग जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हैं या बुद्ध धम्म में का प्रचार और प्रसार करने में अहम भूमिका निभाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए ये ज्येष्ठ भिक्षु आए हैं, तो उनका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। इतना ही नहीं, तो आने वाले समय में ये भंते जी के नेतृत्व में 100 भारतीय लोग पूरे भारत भर भ्रमण करेंगे और 35 दिनों तक तो वो पैदल भी चलेंगे। तकरीबन 660 किलोमीटर हिमालय की गोद में उनको चलना है। तो 80 दिन की ये जो भव्य धम्म यात्रा पद यात्रा हो रही है, तो ये बहुत बड़ा आयोजन है। Yeah.
आता ते आपल्या स्थानिक जागेवर जात आहेत. मित्रांनो, आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडलेला असेल, आणि असं असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तेव्हापर्यंत नमो बुद्धाय, जय भीम.